तो कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel, Pokemon Omega Red Gameplay Video. So guys, आप सभी जानते हैं Monster Hunter Fight में अभी तो कोई न्यू इवेंट फिलहाल तो नहीं चल रहा और कोई डिटेल्स देने के लिए भी नहीं है, डिटेल्स बहुत सारे देने के लिए लेकिन अभी नहीं दे रहा। सोचा कि किसी और गेम को चलो ट्राई करते हैं क्योंकि गेमिंग चैनल है, सभी तरह के गेम खेलना ही पड़ेगा और भाई वही पुराना GBA गेम। सो चलो इससे ही स्टार्ट करते हैं और इसके बाद एक और नया गेम आने वाला है, शायद कल या परसों तक वो नया गेम आ जाएगा और शायद भाई बहुत लोगों ने सोच ही लिया होगा कि कौन सा गेम आने वाला है, मैंने उसका हिंट भी दे दिया था। और चलो इन्हें इस गेम को क्यों चूज़ किया ये तो भाई पता चल ही जाएगा आप लोगों को। पहले तो ये गेम बहुत सारे GBA गेम का भाई मतलब एकदम मिक्सड अप वर्जन है, बहुत सारे GBA। और यहाँ पे क्या है भाई, सारे तो इंग्लिश लिखा है, फिर यहाँ पे ये क्या लैंग्वेज आ गया था, तो नाम हम लोग चलो दे देते हैं। और कैसा इस गेम पे मैं तीनों तरह का चीज यूज़ करने वाला हूँ और वो भी मैं दिखा दूँगा। पर तो शाइनी पोकेमॉन में हर एक पोकेमॉन को शाइनी वर्सन पे ही पकड़ूंगा और एक और है रेयर कैंडी, क्योंकि मैं पोकेमॉन को ट्रेंड्स नहीं करूँगा। अगर गेम को मैं आगे खेलूँ तो मैं ज़्यादा ट्रेंड नहीं करूँगा, बस मैं पकड़ लूँगा ऐसे ही, मतलब ट्रेन ऐसे ही कर लूँगा रेयर कैंडी से। चलो यहाँ से मॉम से कुछ पूछ लेते हैं। भाई ये मॉम कौन सा लैंग्वेज बोल रही है भाई साहब, समझ में नहीं आ रहा। चलो प्रोफेसर ओक तो वो समझ में आ गया, बाकी कुछ भी नहीं समझ में आया। और यहाँ पे हम जाएंगे, नहीं नहीं रुक जाओ, कोई तो आ रहा है, हाँ ये तो आएगा ही अभी ये पीछे पीछे चल जाएगा क्या अजीब है। और भाई ये गेम में भाई मतलब सारे के सारे जो लेजेंडरी पोकेमॉन होते हैं ना, सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही ऑसम वर्जन है। और गेम के मतलब नए पोकेमॉन्स मतलब जो यहाँ पे फील्ड रहता है वहाँ पे भी नए पोकेमॉन्स भी देखने को मिलेंगे। चलो और यार यार मैं कितनी बार बात कर लिया। चलो यहाँ पे भाई लैब देख रहे हो, कितना बड़ा लैब है, ये एक्स्ट्रा रूम ऐड किया कर दिया है यहाँ इन्होंने, लेकिन रूम पर भाई कोई कुछ भी नहीं है, कुछ तो अलग होना चाहिए था। और इसको चलो उठा लेते भाई, अभी तो इंग्लिश था तो अभी क्या हो गया यहाँ पे। गोकू रिलेटो रिसीव डू यू वांट टू गिव निकनेम, भाई भाई साहब यहाँ पे इंग्लिश और वहाँ पे नो नो तो नो ही है, ठीक है। और इसने भाई वो स्क्वाडर ले लिया, ठीक है चलो अभी ये बैटल करेगा एक बार, बैटल के लिए आ गया, चलो बैटल भी कर लेते हैं इससे भाई क्या है। और यहाँ पे रुक जाओ, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया था, चलो छोड़ दो, स्किन स्क्रैच यूज़ करते हैं। रुको यहाँ पे मैं चीट्स और ऑन कर लूँ पहले जी। अबे भाई चीट्स ऐड नहीं है, रुको मैं चीट्स ऐड करके आया सो गाइस चीट्स मैंने ऐड कर लिया, चलिए इसको चलिए जल्दी हरा देते हैं। और यहाँ पे रुको हरा देता हूँ इसको, और टेक स्पीड मुझे थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे हरा दिया 34 SP, और यहाँ पे मेरा लेवल भी इंक्रीज नहीं हुआ भाई, क्या बेकार है। तो यहाँ पे स्पीड ये है ऑप्शंस, और मीडियम लिया लो भाई, लो मीडियम, और ये शायद फास्ट होगा, ये क्या है। चलो हम लोग अभी चलते, अभी यहाँ पे भाई रन रन ऑप्शन आ गया, रन तो ब्लॉक से हटने के बाद मिलता है। और यहाँ पे देख सकते तो बहुत सारे सीक्रेट रास्ते और टनल भी मिलेंगे भाई यहाँ पे रेंजर को पकड़ने के लिए। यहाँ पे एक और रास्ता खुलने वाला है लेकिन वो बाद में खुलेगा। और यहाँ पे कुछ तो है, यहाँ पे ऊपर भी जा सकते हैं, ऊपर क्या कोई है मेरे लिए। अरे भाई कितना फास्ट कर दिया भाई साहब, ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे कोई तो बच्चा है, यहाँ पे बच्चा कुछ देगा मुझे, नहीं दिया भाई, बेकार बच्चा है ये, किसका बच्चा है वो, इन लोगों का बच्चा होगा। चलो इनसे बात कर लेते, कुछ समझ में नहीं आया, इनसे बात कर लेते, ये भी भाई कोई पोकेमॉन यही समझ में आया, कुछ तो दिया हाँ भाई, अच्छा क्या है यहाँ से बात कर लिया और ये प्रोफेसर ये कुछ देने वाला है क्या मुझे, ओए नहीं नहीं पोकेडेक्स नहीं, पोकेडेक्स मैंने चेक नहीं किया, पोकेडेक्स अभी तक मुझे मिला ही नहीं, तो चेक कैसे करेगा। चलो पहले पोकेडेक्स हम लोग ले आते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ऊपर बहुत सारे पोकेमॉन घूम रहे हैं फुल इवॉल्व के साथ, बस इन लोगों को तो वॉल्क थ्रो वॉल्क से पकड़ना पड़ेगा, मतलब वैसे तो नहीं यूज करूँगा, सिर्फ और सिर्फ दो तीन तरह का चीज, एक तो मास्टर बॉल और एक शाइनी पोकेमॉन। चलो शाइनी पोकेमॉन एनकाउंटर वाला चीज ऑन कर लेते चीट्स, फिर शाइनी पोकेमॉन एनकाउंटर था तो ये वाला ऑन कर लिया। और हाँ रियर कैंडी भी चल रही है, कैंडी मैं बाद में ले जाता हूँ, और अगर कोई पोकेमॉन आ जाए तो भाई बहुत ही ऑसम लगेगा। और यहाँ पे भी बहुत सारे सीक्रेट रास्ते हैं,
और यहाँ पे साइनी देख रहे हो, रेडाटा साइनी आ गया। चलो हर एक पोकेमॉन को पकड़, और सॉरी मेरे पास तो पोकेबॉल ही नहीं है, चलो बाद में पकड़ लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा कलर भी देखने को मिल गया हमें, और यहाँ पे कलर थोड़ा सा मतलब डिफरेंट लग रहा है, और थोड़ा कलरफुल करना चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ, मतलब सेटिंग में देख लेते हैं। और यहाँ पे भाई ज़िगज़ैगों के देख लो, जिसमें कलर का भाई ऑरेंज बहुत ही ऑसम लग रहा है। चलो कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ, रुक जाओ। सो गाइस चेंज तो मुझसे नहीं हो पाया, चलो छोड़ देते हैं। और यहाँ पे अरे मैं मैप लेना भूल गया, तो अरे ओके मॉम के पास जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे दुश्मन का नाम भी नहीं लिख पाया, मतलब परफेक्ट ओपोनेंट ऐसा ही कुछ होगा गेम के अंदर। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, क्या मुझसे लड़ना चाहेगा, नहीं लड़ा, ठीक है भाई डर गया, बहुत ही अच्छा। और चलो अरे भाई कहाँ, यहाँ पे देख लो एक और रास्ता है, यहाँ से भी कहीं तो जा सकती है। और हाँ 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 रास्ता तो है, यहाँ पे देख सकते हो रॉक थ्रो या फिर वो अटैक क्या था, यहाँ पे शायद दिखेगा रॉक ब्लास्ट ऐसा ही कुछ अटैक होगा शायद। और यहाँ पे स्क्रैबी भी आ गया, तो स्क्रैबी भी भाई किसी को भी नहीं पकड़ पा रहा, तो चलो जल्दी जल्दी हम लोग काम करते हैं। और भाई टाइम भी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो आया था भाई, मैंने क्या कर दिया देख बाद में देख लूँगा। अरे भाई साहब कितना अजीब है बे, जाना शायद, अरे यहाँ पे तो यहाँ पे एक और पोकेमॉन आ गया, इसका भी कलर चेंज कर, ये शायद ब्लू कलर का था तो यहाँ पे ब्लैक हो गया। और एस्केप, चलो चलते, अरे आ गया एक जो भी टाउन है भाई यहाँ पे, मैं आ गया भूल गया टाउन का नाम, और यहाँ पे जाना पड़ेगा मार्ट पे। चलो मार्ट पे आ गया, और यहाँ पे पोकेबॉल फिर पार्सल मिल गया, चलो फिर से चलते हैं अभी वापस, अभी शॉर्टकट, हाँ यहाँ से मार पा सकते हैं, और हाँ यहाँ से ही मार दिया भाई साहब, मैं तो प्रो होते जा रहा हूँ। फिर यहाँ पे और अरे भाई मैं भूल गया रास्ता, फिर से नहीं यहाँ पे फास्ट, बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया, और आ गया पिकल, तो ये भी इसका कलर देख लो रेड और ग्रीन, भाई बहुत ही ऑसम लग रहा है। और नीचे चलो भाई आखिरकार पहुँच ही गया यहाँ पे, और अभी पार्सल देने का टाइम है भाई, पार्सल दे दिया, अभी फिर से गैरियोक आ जाएगा यहाँ पे, और गैरियोक फिर से आ गया, और पोकेडेक्स भी हमें मिल चुका है बहुत ही बढ़िया 5 पोकेबॉल के साथ। लेकिन हमें पोकेबॉल हम यूज़ ही नहीं करेंगे, पोकेबॉल भाई सारे बेच देंगे जितने ही पोकेबॉल हमें मिलने वाला है। और चलो अभी मैप ले लेते हैं, यहाँ से मैप मिल जाएगा हमें, और ये रहा मैप लेके बैठा हुआ है, और मैप चलो मिल गया बहुत ही बढ़िया। अभी हम पीसी से हाँ वो ले लेते हैं, चलो मास्टर बॉल और क्या है रेयर कैंडी वो ले लेंगे, तो बहुत मज़ा आ जाएगा मुझे, मतलब मुझे आएगा और चीट, चलो यहाँ पे मैं थोड़ा स्किप भी कर देता हूँ, लेकिन नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगा। ये शायद रेयर कैंडी आरसी वाला है, और ये है मास्टर बॉल, चलो मैं उठा लेता हूँ। गोस्ट वॉल खेल, लेकिन गोस्ट वॉल यूज़ नहीं करेंगे, चलो स्किप। तो बस मेरे घर का कंप्यूटर तो ख़राब है, कुछ घंटा नहीं ले पाया मैं कंप्यूटर घर का ख़राब, भाई कैसा है। तो यहाँ पे सुबह भी हो चुका है इसके साथ, अरे यहाँ पे भाई बारिश हो रहा है, तो मैं रास्ता फिर से शायद भूल गया, शायद यहाँ से नहीं जाना था, अरे यार पिकर में तो यहाँ पे सेव करके खेलना पड़ेगा, और नहीं यहाँ से जाना था, तो उसके बाद यहाँ पे फिर इस तरफ शायद, और यहाँ पे नहीं, इस तरफ ऊपर नहीं है, और फिर से एक और पोकेमॉन आ गया। चलो इसको नहीं, ये पोकेमॉन नहीं पकड़ेंगे, बेकार है, मतलब उबेल होने के बाद ही बेकार ही लगता है मुझे। और क्या भाई बड़ा वाला मुंह हो जाएगा इसका, भाई बेकार है पोकेमॉन पूरा। और फिर से ये वाला सिटी पे आ गए, और यहाँ पे कुछ पोकेमॉन पहले ही क्यूट मिल गया, तो ये नहीं ले सकते, सर्फ करने जाना पड़ेगा फिर ले पाएंगे वो उस तरफ से। और कुछ तो और हाँ यहाँ से पीसी यूज़ करके देखते काम आता है या नहीं काम आए तो भाई बेकार हो जाएगा पूरा इतना सारा टाइम, तो देख लेंगे पीसी हाथ चुकला में, तो मैं यहाँ पे काम कर लेता हूँ। सो गाइस आखिरकार यहाँ पे चीट्स मेरा काम कर गया, और चलो अभी यहाँ पे गैरी ऑक्स भी तो लड़ना है एक और बात, चलो चलते हैं उसके पास। और भाई 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 ये रास्ता भी अलग है, और यहाँ पे एक टनल था शायद मैंने मिस कर दिया, यहाँ पे कुछ तो था, और नहीं यहाँ पे टनल नहीं था, लेकिन एक टनल तो यहाँ पे होना चाहिए था, तो ओ अच्छा ये रहा, यहाँ पे एक टनल बनने तो वाला है, या फिर मैं बाइक से ऊपर जाऊँगा ऐसा तो कुछ छोड़ने तो वाला है यहाँ पे। और चलो देखते हैं यहाँ पे हमें क्या पोकेमॉन मिलता है, इसके बाद गैरी आने वाला है, कुछ एक और अलग सा पोकेमॉन ज़रूर पकड़ेंगे, चलो मैं ढूंढ लेता हूँ। और ये क्या भाई साहब रैटल से का, तो यहाँ पे तो इसको तो मतलब डेफिनेटली लेने वाला हूँ मैं, और पकड़ने वाले चलो पोके, अरे भाई भाई मैंने एस्केप बटन को, अरे यार मुझे अभी सेव करके खेलना पड़ेगा, रुको मैं यहाँ पे पहले एक बार सेव कर देता हूँ, फिर यहाँ पे ये पोकेमॉन नहीं पकड़ूंगा,
तो फिर से रन, अभी मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा, रुक जाओ, फिर ये आ गया भाई, तू चले जा यार। तो नेक्स्ट पोकेमोन ये क्या, डायनासोर, हाँ ये भी चाहिए, चलो इसको ही पकड़ लेते हैं। और ये शायद बैक है, और रियर कैंडी, रुक जाओ, यहाँ पे पोकेमोन मास्टर, मास्टर बॉल से हर एक पोकेमोन पकड़ रहे हैं क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता, और मास्टर बॉल से हर एक पोकेमोन को एक बार भी पकड़ सकते हैं। अभी एक्सपी भी इंक्रीज हो गया, देखो पोकेमोन पकड़, अगर पोकेमोन पकड़ेंगे भी तभी हमारा लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और इसका कोई नाम नहीं रखेंगे। और एक और पोकेमोन रैटल्स, भाई अगर रैटल्स मिल जाए तो और भी बढ़िया रहेगा। ये फिर से जो गधा, गधे वाला मिल गया, गधा नहीं ये चूहा है, तो मुझे चूहा में से तो भाई पिकाचू ही पसंद है। चलो देखते हैं भाई, वो नहीं मिलेगा शायद। और यहाँ पे ये लिलीपप, लिलीपप नहीं चाहिए भाई, ये बेकार है। और क्या मिलता है, हर एक पोकेमोन को तो हम लोग पकड़ेंगे लेकिन अभी वो बाद में। चलो अब भाई मिल गया रैटल्स, फाइनली हमें मिल चुका है, और इसको फटाक से पकड़ लेते हैं। चलो मास्टर बॉल पकड़ लिया, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे चलो पोकेमोन को हम लोग लेवल इंक्रीज भी कर लेते हैं। अभी पोकेमोन का लेवल मेरा कितना है, लेवल 6, 3 एंड 4, चलो इसको भी लेवल इंक्रीज कर लेते हैं जल्दी से जल्दी। सो गाइस मेरे फारेक पोको का लेवल 10 कर दिया। अब चलो गैरेज से लड़ने चलते, और 4 मिनट का भी कलर मुझे कोई अलग सा चाहिए। चलो अगर किसी और के पास हो तो उसको पकड़ लेंगे, चोरी कर लेंगे, तो एक और चीज लगाना पड़ेगा मुझे उसके लिए। चलो पहले लड़ लेते हैं यहाँ पे बैटल, और भाई फिर से बेकार सा ट्रेनर आ गया, और पे भाई बहुत ही प्रो प्लेयर, और यहाँ पे एम्बर, भाई ये दोनों अटैक बेकार है, चलो एम्बर यूज़ कर लेते। अरे भाई तो लेवल 5 का और मेरा लेवल 10 का, तो भी देख लो डिफरेंस, देख लो भाई 2-3 बार मरना पड़ रहा है, डबल लेवल है तो नहीं करेंगे इस चीज़, एक से हरा देंगे। और मुझे लगा था इसका भी लेवल 7-8 तक हो जाएगा, इसलिए मैं 10 तक अपग्रेड किया। तो चलो ठीक है, टक्कर का ही बैटल लड़ेंगे। और यहाँ पे अरे भाई मार दिया लेवल 6 होकर, देख रहे हो भाई पावर। तो यहाँ पे इसको यूज़ करके टायरेनिट और जो भी नाम है पेरारियोडो, ठीक है, बहुत ही अच्छा। तो स्टॉर्म यूज़ करेंगे, और भाई बहुत ही अच्छा डैमेज, और यहाँ पे एरा मेरा शायद रॉक टाइप है इसलिए इतना सारा डैमेज हो गया, और हो गया। और यहाँ पे जाना, आगे जाना बेकार ही है क्योंकि ये जिम, मेरे पास कोई जिम बैटल नहीं है, मतलब जिम बैच। और यहाँ पे एक और एक पोके वाला मिल चुका है, और इसके साथ क्या है भाई, ये घंटा मिला है, घंटी का भी यहाँ पे कलर चेंज हो गया, देख रहे हो, ये भी शायद वो उस चीट्स वाला काम कर दिया, और यहाँ पे घुसने नहीं देगा, बाहर निकल दिया। ठीक है चलो हम नेक्स्ट सिटी चलेंगे, कोई बात नहीं है। और चलो, और हाँ रास्ते में जाने के बाद कोई भी पोकेमोन दिखने, अगर दिखे तो वो भी पकड़ लेंगे, हर एक पोकेमोन का क्योंकि पोकेडियस भी हमें फुल करना पड़ेगा। और चलो मैं जल्दी जल्दी पकड़ लेता हूँ मास्टर बॉल, इन सारे पोकेमोन को नहीं रखने वाले, सारे पोकेमोन को मैं डिपॉजिट करने वाला पोको प्रोफेसर ओक के पास फुल इवॉल्व करूँगा, फिर डिपॉजिट कर दूंगा। और चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट सिटी, और उसके पहले एक और वीडियो भी देखना पड़ेगा हमें, वो दद्दू वहाँ पे सोया हुआ है सभी जानते हो। और इस सिटी पे शायद और कुछ नहीं हमें मिलने वाला, अरे मिल गया भाई, ये पूरा अलग है, ये वाला वर्सन पूरा अलग है, यहाँ से और कोई मिलने का चांस नहीं था लेकिन मिल रहा है। तो हमें, मैं तो साफ सभी से बातें करने वाला हूँ अभी, अरे यार रुक जा बे लड़की। और यहाँ पे पोकेडेक्स, अरे हाँ बॉल ले सकते हैं शायद, हाँ बॉल ले सकते हैं, मुझे लगा था सर्फ यूज़ करना ही पड़ेगा लेकिन उससे पहले ही बॉल ले लिया। और यहाँ पे ये कार्ट यूज़ करना पड़ेगा इससे इनके पास जाने के लिए, तो रुक जा, यहाँ पे इसने कुछ नहीं दिया और कुछ भी नहीं मिला, और मैं देखने नहीं वाला। और यहाँ पे एक मुझे ढूंढ रहा है, हाँ अभी दिखाएगा देख लो, अरे अच्छा ये बैटल करेगा, तो यहाँ पे भी एक बैटल होने वाला है भाई साहब, इस शहर पे 2 बैटल हो गया। तो स्टॉर्म एक बार में हरा दिया, फिर नेक्स्ट को नहीं चेंज करेंगे, और मेरा तो अरे मरा हुआ है तो उसको भी उठाना है, 4 हज़ार को मतलब 4 मिनटर को, चलो देख उठा देते हैं। और कुछ फिर से इसने कुछ और दे दिया मुझे, चलो इसको हम रिवाइव करके आते हैं, और एक और उस पोकेमोन को रख के भी आना पड़ेगा वहाँ पे, हाँ चलो 4 पोकेमोन, थैंक यू वेलकम, ऐसा ही कुछ बोलना चाहिए। ये पोके और चाहिए तो आइटम वाला था, तो ये पोकेडेक्स वाला, और ये ऊपर डिपॉजिट डिपॉजिट, इसको डिपॉजिट करेंगे, चलो हो गया। और बाद में इवॉल्व भी कर लेंगे हर एक पोकेमोन को, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे भी दौड़ सकते हैं, देख रहे हो ये GPA रूम है कि इसलिए ये ऐसा मतलब ऐसा काम आता है। और अभी तक रन तो मुझे अभी तक मिला नहीं, उसके बावजूद भी मैं राउंड रन कर सकता हूँ। और यहाँ पे एक ये भी मुझे ढूंढ रहा है क्या, तो वो बुढ़ा कहाँ आ गया जो यहाँ पर लेटर रहता है, बुढ़ा होना चाहिए। तो ये जिम तो अभी ओपन नहीं होगा, चलो फिर भी एक बार देख लेते हैं, नहीं ओपन, अरे यार बुढ़ा से बात भी नहीं करने दिया था, तो हम बात नहीं करेंगे मैं उस। और यहाँ पे एक और बैटल, भाई साहब बहुत ही बढ़िया,
और इसका ये पोकेमोन शायद इवॉल्व फ्रॉम है इंडियन गास, तो इसका दांत देख रहे हो वो अलग दिख रहा है, इवॉल्व के होने का कैसा दिखता है, मैं भूल गया, मैं ये भी भूल गया। और यहाँ पे ये क्या करने के लिए आया है, ज़रूरा। अरे भाई इसने मुझे, अरे इसने ज़रूरा दे दिया है, यहाँ पे देख रहे हो ज़रूरा दे दिया इसने। और ज़रूरा का कलर देखो भाई, ब्लैक के साथ ब्लू, मतलब कत्ता ही जहर लग रहा है। तो इसको भी लेवल 10 अप कर लेते हैं, चलो चलो उसको भी लेवल 10 हो गया अभी नेक्स्ट। अरे भाई एंटाई, सो गाइस हमें यहाँ पे हमारा पहला लेजेंडरी पोकेमोन देखने को मिल गया एंटाई। हम भाई सबको पकड़ेंगे, हर एक पोकेमोन को, बहुत मतलब सारे की सारे सारे लेजेंडरी पोकेमोन ही इस गेम के अंदर है, मैंने देख लिया था पहले ही। और गेनिस्ट भी है और होप्पा भाई सब कुछ है, पालकिया डियालगा गिराटिना सब कुछ, सारे के सारे पोकेमोन। और नहीं पोकेमोन एक्सचेंज नहीं करेंगे भाई, ये है इसको हम, ओ अच्छा मैंने वो वाला चीट यूज़ ही नहीं किया, तो अगर चार्मेंडर आ जाए किसके पास तो मैं डेफिनेटली यूज़ करने वाला हूँ। तो भाई मैं, अरे मैं सेव करना भाई भूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फिर से यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। थीफ वाला चीट मुझे यूज़ करना ही पड़ेगा। बहुतों के पास मतलब ट्रेनर्स के पास बहुत अच्छे अच्छे पोकेमोन रहते हैं। और यहाँ पे ये क्या कर रहा है, तो ठीक है जो भी कर रहा है कर रहा भाई। और नहीं कुछ भी नहीं है, यहाँ पे एक और रास्ता है तो कुछ तो अलग देखने को मिलेगा। अरे भाई इसका कलर देखो, चलो इसको भी पकड़ लेते हैं। और ये रहा मास्टर बॉल, पकड़ लिया भाई। ये मास्टर बॉल का यही फ़ायदा है, हर एक पोकेमोन को एक बार में पकड़ पाएंगे। और यहाँ पे हाँ एक और रास्ता तो है, चलो देखेंगे। अरे ये क्या है, अच्छा ये एंड जैसा देखने वाला पोकेमोन, ये बाद में वो क्या वो नाम था, फेरोमोनिया क्वीन, ऐसा ही कुछ नाम था ना, इवॉल्व होने के बाद वैसा हो जाता है। और यहाँ पे रास्ता, यहाँ पे ये कौन है, नहीं रास्ता नहीं है। और अरे ये तो खाना है, ये पोकेमोन है क्या, ये तो सूसी जैसा लग रहा है देखने में, तो ये भी पकड़ लेते हैं। सारे सारे के सारे पोकेमोन पकड़ेंगे हम, सारे के सारे। तो नहीं और रास्ता नहीं है, मुझे लगा था रास्ता होगा, तो नहीं है। और यहाँ पे विड्रेल भी आ गया, गोल्डन कलर, गोल्डन ही तो था या फिर येलो था, येलो विड्रेल येलो होता है, तो नहीं विड्रेल येलो गोल्डन कुछ भी नहीं होता, येलो विड्रेल शायद पिंक, भाई वो कलर क्या है, पिंक ऑरेंज ऑरेंज ऐसा। और ये भाई देख रहे हो बहुत सारे नए पोकेमोन, ना सारे के सारे पोकेमोन से क्लास पे हम लोगों को मिल जाएंगे, इसलिए ये वाला वर्सन ही मैं खेलता हूँ। और यहाँ पे मेरा लेवल भी इंक्रीज हो गया। और इसको ये वाला पोकेमोन एस ने नहीं पकड़ा था, अरे मेटक ककुना मिल गया, तो चलो नहीं ओड्रेल से हम इवॉल्व करके ककुना कर लेंगे। और इस तरफ नहीं आना था, उस तरफ या फिर इस तरफ भी आना था, हाँ। और यहाँ पे एक और बैटल होने वाला है, चलो भाई इस बेकार ट्रेन को दिखा देते हैं हमारा पावर। और इसके पास वही एंड मैंने और भरा दिया एक बार में। और नेक्स्ट पोकेमोन रॉक टाइप है, रॉक ऐसा ही, और नहीं कैटेपी है भाई साहब, कैटेपी भी गोल्डन कलर, कैटेपी तो ग्रीन कलर होता है ये तो पता है। हो गया बैटल ले लिया, अभी यहाँ पे ब्लॉक हो गया रास्ता भाई साहब, यहाँ पे तो सीढ़ी क्यों दिया हुआ है, बस तू पेड़ के पास जाने के लिए। तो अभी नेक्स्ट बैटल यहाँ पे, ये शायद बैटल करने वाला है, नहीं करने वाला, फिर से आ गया सूसी वाला पोकेमोन। रन कुछ तो कुछ नहीं दिखा, चिके मोटे कुछ नहीं दिया इसने, फिर से लेवल 6 वाला नहीं पकड़ेंगे। यहाँ पे एक और बैटल, चलो फिर से कर लेते हैं एक और बैटल, कोई बात नहीं। और लंच यहाँ पे लंच लिखा है क्या, ये क्या है यहाँ पे, अरे मैंने फिर से फास्ट फॉरवर्ड है ना बहुत ज़्यादा भाई, पॉइजन हो गया गया मेरा, अभी बस वर्क करूँगा और ये मर जाएगा, नहीं करूँगा चेंज नहीं करूँगा, जितना हो सके इससे ही हड़ूँगा। अरे इसके पास ये है तो ये भी भाई वो वाला चीट यूज़ करना ही पड़ेगा ओपोनेंट का पोकेमोन पकड़ने के लिए। चलो पॉइजन मर गया, अभी किसको यूज़ करें, चलो ज़रूरा या फिर यहाँ पे रेड ज़रूरा का यूज़ करते हैं, देखते हैं ज़रूरा कैसे काम आता है। स्क्रैच लियर ऊट, अरे ये अच्छा अटैक है डार्क था, और ना यहाँ पे एक और था फेक टीयर्स शायद कोई अटैक नहीं है, ये नहीं अटैक नहीं था। चलो यहाँ पे, अरे भाई पॉइजन कर दिया, मुझे मार देना चाहिए था, चलो मार दिया। अभी नेक्स्ट पोकेमोन नहीं एक्सचेंज नहीं करेंगे। और यहाँ पे फिर से सूसी आ गया, सूसी का असली नाम क्या भाई, असली नाम तो कम से कम लिखा होना चाहिए ना यहाँ पे, तो वो भी वो दूसरे लैंग्वेज पे। यहाँ पे 84 रुपीस मुझे मिल गया है फिर से। और यहाँ पे एक और पोकेमोन है, चलो इसको भी ले लेते हैं। और ऊपर एक और रास्ता है, एंटीडोट मिल गया भाई, बहुत बढ़िया एंटीडोट यूज़ कर लेंगे एंटीडोट। ये अरे नहीं है, ये था एंटीडोट किसको, इसके ऊपर, चलो ये पॉइजन हो गया,
अभी यहाँ पे भी देख रहे हो एक और रास्ता है यहाँ पे, तो दो हमें कितने रास्ते देखने को मिल गया, शायद 3 या 4 देखने को मिल गए और भी है। मतलब ये सारे रास्ते ना हम लोग को लेजेंडरी पोकेमॉन पकड़ने को मिलेंगे, बहुत सारे लेजेंडरी मतलब सारे के सारे पोकेमॉन ही है। और यहाँ पे फिर से हनी आ गया, चलो हनी को मारते हैं। 36 नहीं, एक्सचेंज नहीं, और यहाँ पे फिर से ये वाला आ गया, इसको जल्दी जल्दी मारना पड़ेगा नहीं तो पॉइजन फिर से नहीं कर दिया। हो गया, मार दिया मार दिया, बहुत बढ़िया। अरे इस तरफ या इस तरफ, हाँ ठीक ही जा रहा हूँ ठीक ही। और यहाँ पे नहीं, ये भी ठीक ही जा रहा हूँ, ये भी लड़ेगा ये। अरे भाई पूरा पास जाऊँगा भैया। अरे बात ओ अच्छा, ये लड़ने नहीं पाता इसलिए शायद ये आगे नहीं आ रहा था, एक ऐसे बेकार में खड़ा है। और यहाँ पे फिर से एंडमैन, और भी नहीं, पिकाचू पिकाचू कि नहीं है क्या, पिकाचू भी यहाँ पे मिलना तो चाहिए, एक या दो। तो ककुना फिर से आ गया, ककुना को नहीं है मुझे भाई अभी बैट क्या है उसका नाम, कैट भी चाहिए। ककुना तो बहुत 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 मिल गया। और ये मैंने पकड़ा था क्या, चलिए एक और पकड़ लेते हैं, कोई बात नहीं, पकड़ पकड़ा होता रिलीज भी कर लेंगे। तो 92 बॉल्स हो चुके हैं, और फिर से मुझे मतलब हर एक को कोई लड़ रहा हो तो बहुत सारे बॉल यहाँ पे खर्चा हो जाएंगे। यहाँ पे लड़ेगा, हाँ भाई कितने दूर से सामने आ गया देखा भाई, कितना नज़ारा तेज़ है। अरे भाई इसके पास फुल गोल्फ फॉर्म है, तो एक बार में नहीं, बहुत ही फुल गोल्फ फॉर्म तो मारने का, अरे नहीं बेकार है। मुझे लगा थोड़ा मुश्किल होने वाला है, फुल गोल्फ फॉर्म है लेकिन उतना खास नहीं है। और मिल गया, और शायद इस यहाँ पे यहाँ का बैटल शायद यहीं पे एंड हो जाएगा। और यहाँ पे लेडी बा भी अरे लेडी बा चलो इसको भी पकड़ लेते हैं, लेडी बा मज़ा आ जाएगा, लेडी बा तो पकड़ लिया बहुत बढ़िया। और नहीं रखेंगे, नहीं नाम नहीं रखेंगे, हाँ पीसी में चलो ट्रांसफर हो गया, बहुत बढ़िया। अब ये प्रोफेसर ओ कहाँ से आ गया यहाँ पे, ओबिनेट एक्सपी भी कुछ तो दिया है इन्होंने, हाँ एक्सपी शेयर अभी मिल गया हमें क्या, एक्सपीरियंस टार्स एक्सपी शेयर ओ मशीन ही होगा शायद, जो चलो देख लेते बैग के अंदर मटेरियल्स। अरे ये रहा, हाँ एक्सपी शेयर मशीन भाई अभी अभी के अभी मिल गया हमें, बहुत ही बड़े भाई गेम देख रहा हूँ मतलब अभी से ऑटोमेटिक ही हैक है, मैं क्या हैक करूँगा गेम को। तो नेक्स्ट सिटी है, तो यहाँ पे कुछ देख लेते चेकआउट कर लेते भाई, अभी तो इन यहाँ पे यही करने वाला हूँ। तो यहाँ पे ये पकवान मिल गया, चलो इसको भी हम वो करते हैं मास्टर बॉल से पकड़ लेते। और ये इसको क्या यूज़ करें, हाँ इसको भी यूज़ करके चलो, फायर टाइप में से नहीं, फायर टाइप तो ये मेरे पास, तो इसको बेकार में यूज़ नहीं करेंगे, ज़्यादातर मेरा फेवरेट पकवान है उसको यूज रखेंगे। और मेक हाँ गाइस एक और बात बताते तो मैं भूल गया, इस गेम पे मेगा इवोल्यूशन में होने वाला है, तो यहाँ पे पॉइंट को भी है तो उसको भी पकड़ लेते। मतलब हर एक मेगा इवोल्यूशन एक्स वाई सब कुछ होने वाला, चारिजॉट को मैं एक से रखूँगा, मुझे मेरा बहुत ही फेवरेट है। और ग्रेनिंजा चारिजार ग्रेनिंजा और किसको रखूँगा, अगर नहीं भी मिले तो मैं चीट्स यूज़ करके पकड़ लूँगा उन सारे को। और एक क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल को भी पकड़ लेंगे भाई साहब, हर एक सिटी में नई पोकेमॉन देख रहे हो, वहाँ पे शायद वो 10-12 थे और यहाँ पे और भी 10-12 देखने को मिल जाएंगे, किसी का लेवल अप होगा, मतलब सारे पोकेमॉन का एक साथ लेवल अप होने वाला है। अरे भाई चश्मीस बात कर ले मुझसे, बात नहीं किया भाई, बुरा कर दिया। अबे मार मार क्यों रहा हूँ यहाँ पे, मुझे फिर पॉइजन होगा भाई मारने से, भाई साहब बेकार हो गया, एंटीटोड और नहीं है चश्मीस, अरे बात कर लिया आखिरकार। तो एक और पोकेमॉन शायद देखने को मिलेगा क्या, तो अरे भाई पीचू मिल गया, पीचू है यहाँ पे इस गेम के अंदर भाई साहब, मॉन्स्टर हंटर 5 पे भी पीचू नहीं है, इन्होंने डायरेक्ट पिकाचू और पिकाचू के ऊपर लाइचू भी नहीं है, यहाँ पे पीचू मिल गया, यही तो मैं ढूंढ रहा था। और मिल चुका है हमें पिकाचू, तो मैं ये यूज़ करूँ, उसका मेगा इवॉल्व नहीं हो रहा मतलब नहीं होता, तो चलो आगे देखेंगे क्या यूज़ करते हैं क्या नहीं। भाई सेलेबी मिल गया, सेलेबी तो मैं डिफरेंटली यूज़ करूँगा, उसका मेगा इवोल्यूशन फॉर्म बहुत ही अच्छा लगता है, या फिर हम गेंगा का यूज़ करें, चलो देखेंगे आगे देखेंगे। और जब पकड़ूंगा दोनों को एक साथ मिल जाएगा तो आप लोगों को पूछ लूँगा कि कौन सा यूज़ करूँ, गेंगा या सेलेबी का मेगा फॉर्म। रोड्रियो भी मिल गया भाई, पोकेमॉन ख़त्म नहीं होगा, सारे पोकेमॉन यहीं पे दिखा देगा, रोड्रियो मिल सारे पोकेमॉन का एसपी शेयर हो गया, पोकेडेक्स नाम नहीं रखेंगे, पोकेडेक्स बॉक्स 1 पे चले गया। और भी है नहीं, और शायद नहीं, अभी रिपीट होने वाला है, लेकिन एक दो बार फिर से देख लेंगे, दो बार हो गया, अभी एक और बार देख लेंगे, और नहीं रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो लास्ट बार अभी लास्ट बार देखेंगे। और यहाँ पे नीचे देखेंगे, नीचे शायद कोई नया मिल जाए, नहीं फाइन सर रिपीट हो रहा है, तो और यहाँ पे नया पोकेमॉन और कोई नहीं है, चलो अभी हम चलते हैं सिटी के अंदर घुसते हैं। और नहीं पहले मैं पोकेमॉन को यहाँ पे रिवाइव कर लेता हूँ, चलो रिवाइव कर लेते और पोकेमॉन चूज भी कर लेते, चलो
पोकेमॉन कुछ डिपॉजिट करना पड़ेगा एंड कुछ विड्रॉ करना पड़ेगा। पीसी यहाँ पे डिपॉजिट डिपॉजिट ये डिपॉजिट और ये चीटी क्वीन डिपॉजिट एंड लूँगा किस किस को, चलो पिचू पिचू को ले लूँगा और कौन चाहिए और सेल्वी सेल्वी चलेगी अभी तक के लिए सेल्वी को यूज़ करता हूँ और चलो आगे देखेंगे आगे क्या यूज़ करते हैं हम। और यहाँ पे कोई कुछ देने वाला नहीं है, ये भी कुछ देने वाला नहीं। अरे क्या वॉट अच्छा ये वो वाला है, ये मुझे कभी भी समझ में नहीं आ रहा ये लड़की क्यों वो यहाँ पे खड़ा रहता है और क्या बोलने की कोशिश करता है मुझे कभी भी समझ में नहीं आया और आज भी नहीं आया क्योंकि लैंग्वेज भी अलग है। और यहाँ पे शायद एक ग्रास होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे ये है तो कुछ दे दिया क्या इसने, नहीं कुछ भी नहीं दिया, मुझे लगा था कुछ देने वाला है लेकिन बेकार हो गया। और अभी नहीं जाना देगा ब्लॉक से, अच्छा ये ब्लॉक सर है मुझे पता है ब्लॉक से तो भाई अभी नहीं लड़ेंगे, मतलब आज के लिए तो बस बहुत ज़्यादा वीडियो बहुत लंबा हो गया 25 मिनट्स का हो चुका है तो आज के एपिसोड तो भाई एपी इन करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड कल डालेंगे क्या, तो चलो देखेंगे वीडियो के ऊपर इंटरेस्ट और लाइक्स कितने आते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। और भाई ये पे चलो हम लोग घूम आते हैं एक बार, चलो यहाँ पे चीज वॉल्क थ्रो गोस्ट, चलो हम लोग बहुत दूर से घूमाते चलो मेगा एवोल्यूशन स्टोन देख लेंगे। अबे भाई 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 कुछ तो यहाँ पे कुछ तो होगा, बैटल हो क्या भाई, ये बैटल नहीं करना चाहिए था मुझे भाई, मैं सेव नहीं किया, चलो बैटल अभी करना ही पड़ेगा, रुक जाओ मैं सेव करना क्यों भूल जाता हूँ यार, चलो बैटल जल्दी जल्दी यहाँ पे ख़त्म करना पड़ेगा। अरे भाई साहब मतलब देख रहे हो अच्छी बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है इसने पोकेमॉन को और मर गया सारे पोकेमॉन का लेवल वहाँ पे, वहाँ उसका लेवल 4 है इसका भी लेवल 4 है, चलो इसका भी बहुत ही अच्छा, इसके बाद 3 पोकेमॉन है भाई, ये ब्लॉक से लड़ने के बाद आना था लेकिन क्या करे मेरा पोकेमॉन मार भी दिया इसने, बहुत ही पावर है। और किसको उस कन्फ्यूजन, चलो कन्फ्यूजन को देख लेते, अरे ये पोकेमॉन की साइकिक टाइप है शायद, ये पोकेमॉन क्या है मार दिया 10 लेवल भाई, ये टक्कर का बैटल हो रहा है तो इन दोनों का लेवल भी 10 कर देता तो फिर और भी अच्छा होता। स्कैच चलो पुरसी इसको यूज़ करते हैं, कन्फ्यूजन अरे यार कन्फ्यूज कर दिया, तो अभी 2-3 राउंड के लिए भाई साहब एच पी फुल कर दिया इसने तो अभी हार्ट होगा शायद, हाँ हार्ट होगा लगा ही था अभी, अरे इसने ये वाला अटैक यूज़ कर दिया जमीन से भी अभी ये वो करेगा तो शायद मैं मरने के बाद पोकेमॉन सेंटर पे जाने वाला हूँ और हरा दे कुछ भी कर दे पोकेमॉन सेंटर में आ जाऊँगा तो भाई और भी अच्छा रहेगा, बाद में लड़ लेंगे इससे। अभी नेक्स्ट पोकेमॉन इसके ऊपर ही अभी सभी सारे मतलब सब कुछ है इसके ऊपर, लास्ट पोकेमॉन फुल अपडेट लेवल 10 का और कुछ भी नहीं हुआ, इसने एच पी बढ़ा दिया हरा दिया, लास्ट पोकेमॉन है इसका भाई बचा लेना, ठीक है बहुत बढ़िया सभी का लेवल 7-7-6 बहुत कुछ हो चुका है। और इसका लास्ट पोकेमॉन अरे यार ये आ गया तो स्टॉर्म से उतना काम नहीं है क्योंकि दोनों ही रॉक टाइप पोकेमॉन है, रॉक और ये स्टील और मेरा ये पोकेमॉन की रॉक और स्टील दोनों टाइप ही है तो स्टॉर्म बाइट भाई यूज़ करना बेकार है तो नहीं हुआ, मुझे पता ही था काम उतना नहीं देने वाला लेकिन सुपर डिफेक्टिव भाई 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 लक अच्छा देता है मेरा तो फिर से मार दिया आखिरकार हरा दिया भाई, कितना इंसेंस नहीं इंसेंस नहीं हार्ड बैटल था और बहुत बढ़िया कुछ दे दिया इसने भी मुझे कुछ दिया है यहाँ पे। और ये शायद गैरी के रिप्लेस नहीं है, वो गैरी तो है गेम पे तो ये कौन था और जाना पहचाना लग तो रहा था एनिमे पे तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। और अभी चलो घूम के आते मैं जिसके ऊपर मैं दिखा रहा था उस शहर में चलो पहले चलते हैं। और अबे अबे अबे, अबे स्टीलिक्स भाई देख लो स्टीलिक्स यहाँ पे घूम रहा है तो हम क्या वॉल्क थ्रो वॉल से लड़ पाएंगे, लड़ सकते हैं गेम बस फ्रीज ना हो जाए, रुको मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। अबे भाई यहाँ पे राइको है यहाँ पे खड़ा हुआ तो नहीं हम नहीं लड़ सकते तो राइको से हम लड़ सकते हैं, गेम फ्रीज हो गया मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होने वाला है अगर चीज़ को गलत तरीके से यूज़ करके तो गेम फ्रीज हो जाता है, मतलब फिर से आपको रीसेट करना पड़ेगा अगर सेव ना किया हो तो यहाँ पे जा कर रहा हूँ। अबे यार तो यहाँ पे माचम भी आ गया, माचम यहाँ पे मिलेगा ठीक है पता चल गया, अरे फिर से नया अबे यार ये आ गया तो इसका पहला फॉर्म मुझे मिल रहा था तो अच्छे क्या मैंने नहीं पकड़ा तो यहाँ पे मिस्टी का शहर फिर यहाँ पे ये नहीं इसके पास वाले शहर पे, हाँ इसके पास वाले शहर पे हमें मेगा एवोल्यूशन स्टोन मिलने वाला है तो
तो ये रहा, ये वाला शहर पे मिलने वाला है। और घुस गया इस वाले शहर पे अभी। कहाँ क्या, अरे वो सिटी कहाँ गए, इस पे मिलने वाला है क्या? हाँ अरे हाँ इस पे ही मिलने वाला है, इस पे एकदम ऊपर के फ्लोर पे शायद। और इस पे ये वाला फ्लोर नहीं, ये वाला फ्लोर पे नहीं है, हाँ अरे ये वाला फ्लोर पे ही शायद, रुको मैं देख लेता हूँ। तो नहीं ये तो TM वाला है, और ये क्यों कौन है, ये आइटम वाला, और ये क्या बेच रहा है, स्टोन, अरे मेगा इवोल्यूशन स्टोन कहाँ चला गया, इसके ऊपर वाला फ्लोर है क्या, चलो देख लेंगे। नहीं इसके ऊपर वाले फ्लोर पे तो और कुछ नहीं है, तो मेगा मेगा स्टोन कहाँ चला गया, तो ये पे 14 है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर छत है, तो नीचे नीचे आएंगे, और ये शायद कुछ नहीं बेचता, हाँ नहीं नहीं वो कुछ भी नहीं बेचते। और नीचे यहाँ पे ये इनसे देख लेंगे, नहीं ये पोकेबॉल बेचते हैं, और ये क्या बेचते हैं, नहीं ये भी कुछ नहीं बेचते, और ये भी कुछ नहीं, भाई साहब मेगा इवोल्यूशन स्टोन तो होना चाहिए यहाँ पे, तो कहाँ पे मिलता है भाई। चलो मैं एक बार देख के आता हूँ। सो गाइस बहुत तो मैंने ढूंढ लिया लेकिन मुझे कहीं भी मेगा स्टोन नहीं मिला, लेकिन मेगा इसमें इवोल्यूशन होता है ये तो पक्का है, क्योंकि मेगा ब्रेसलेट यहाँ पर मिलेगा, मैंने देख लिया था मेगा ब्रेसलेट एक जगह से मिलता है, और मेगा स्टोन भी शायद किसी स्टोर से तो मिलता है, मैंने एक स्टोर शायद मिस किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद मिलता है, लेकिन चलो आगे देखेंगे, गेम तो अभी बहुत बाकी है, चलो देख लेंगे। और बस तो गाइस आज के बाद तो बस यहीं पे ईद करते हैं, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आए तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, ओके जिस किसी ने भी अभी तक तो सब्सक्राइब वाले बटन की तरफ देखकर छुआ नहीं ऐसा मत किया करो मेरा, इसके बाद छू के रेड से क्लिक कर लेता दोस्त। सो भाई तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय गाइस एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।